વડાપ્રધાન મોદી આ કાર્યક્રમ દ્વારા દેશ અને વિદેશના લોકો સાથે તેમની મન કી વાત શેર કરી છે. મુંબઈ હુમલાના શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી બંધારણ ઘડનારાઓને યાદ પણ કર્યા. મન કી વાતમાં પીએમ મોદીએ આ મુદ્દાઓ પર વાત પણ કરી હતી કે પીએમ મોદી દર મહિનાના છેલ્લા રવિવારે દેશને સંબોધન કરે છે. તેઓ તેમના રેડિયો કાર્યક્રમ મન કી બાત દ્વારા રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરે છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે હું લદ્દાખનું એક પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ તમારી સાથે શેર કરવા માંગુ છું. તમે પશ્ચિમના શાલ વિશે જાણતા જ હશો. છેલ્લા કેટલાક સમયથી લદ્દાખી પશ્ચિમની પણ ખૂબ જ ચર્ચા થઈ રહી છે. લદ્દાખના લુમ્સના નામે લદ્દાખી પશ્ચિમના વિશ્વભરના બજારોમાં પહોંચી રહી છે. 15 ગામોમાં 450થી વધુ મહિલાઓ તેને તૈયાર કરી રહી છે. લોકોને સંબોધન કરતા વડાપ્રધાને કહ્યું કે જ્યારે દરેક વ્યક્તિ રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં ભાગ લેશે ત્યારે જ દરેક વ્યક્તિ વિકાસ કરી શકશે. મને સંતોષ છે કે બંધારણના ઘડવૈયાઓના સમાન વિઝનને અનુસરીને ભારતની સંસદે હવે નારી શક્તિ વંદન કાયદો પસાર કર્યો છે. લોકોને સંબોધિત કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે જ્યારે દરેક વ્યક્તિ રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં ભાગ લેશે ત્યારે જ દરેક વ્યક્તિ વિકાસ કરી શકશે. મને સંતોષ છે કે બંધારણના ઘડવૈયાઓના સમાન વિઝનને અનુસરીને ભારતની સંસદે હવે નારી શક્તિ વંદન કાયદો પસાર કર્યો છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે સ્વચ્છ ભારત અભિયાન સ્વચ્છતા અને જાહેર સ્વચ્છતાને લઈને લોકોની વિચારસરણી બદલી છે. મન કી બાતમાં પીએમ મોદીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે બુદ્ધિ વિચારો અને નવીનતા આજે ભારતીય યુવાનોની ઓળખ બની ગઈ છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આ બીજું વર્ષ છે જ્યારે દિવાળીના અવસર પર રોકાણ ચૂકવીને કેટલીક વસ્તુઓ ખરીદવાનું ચલણ ધીમે ધીમે ઘટી રહ્યું છે. લોકોને સંબોધન કરતા કરતા એમ પણ જણાવ્યું કે હવે ઘરના બાળકો પણ દુકાન પર કોઈક વસ્તુ ખરીદતી વખતે તેના પર મેડ ઇન ઇન્ડિયા લખેલું હોય છે કે નહીં તે જોવાનું શરૂ કરી દીધું છે. પીએમ મોદીએ જણાવ્યું કે ગયા મહિને મન કી બાતમાં લોકલ એટલે કે સ્થાનિક ઉત્પાદનો ખરીદવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. मन की बात में आपका स्वागत है. लेकिन आज 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं. आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था. आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था. लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं. मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं. इस हमले में हमारे जो जांबाज वीरगति को प्राप्त हुए, देश आज उन्हें याद कर रहा है. मेरे परिवारजनों, 26 नवंबर का आज का ये दिन एक और वजह से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. 1949 में आज के दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था. मुझे याद है जब साल 2015 में हम बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मना रहे थे, उसी समय ये विचार आया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाए. और तब से हर साल आज के इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं. मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. और हम सब मिलकर के नागरिकों के कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे. साथियों, हम सभी जानते हैं कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था. श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे. 60 से ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन और लंबी चर्चा के बाद हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ था. ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसे अंतिम रूप देने से पहले उसमें 2000 से अधिक संशोधन फिर किए गए थे. 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी अब तक कुल 106 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है. समय, परिस्थिति, देश की आवश्यकता को देखते हुए अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर
संशोधन किए। लेकिन ये भी दुर्भाग्य रहा कि संविधान का पहला संशोधन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकारों में कटौती करने के लिए हुआ था। वहीं संविधान के 44वें संशोधन के माध्यम से इमरजेंसी के दौरान की गई गलतियों को सुधारा गया था। साथियों, ये भी बहुत प्रेरक है कि संविधान सभा के कुछ सदस्य मनोनीत किए गए थे, जिनमें से 15 महिलाएं थी। ऐसी एक सदस्य हंसा मेहता जी ने महिलाओं के अधिकार और न्याय की आवाज बुलंद की थी। उस दौर में भारत उन कुछ देशों में था जहां महिलाओं को संविधान से वोटिंग का अधिकार दिया। राष्ट्र निर्माण में जब सबका साथ होता है तभी सबका विकास भी हो पाता है। मुझे संतोष है कि संविधान निर्माताओं के उसी दूरदृष्टि का पालन करते हुए अब भारत के संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे लोकतंत्र की संकल्प शक्ति का उदाहरण है। ये विकसित भारत के हमारे संकल्प को गति देने के लिए भी उतना ही सहायक होगा। मेरे परिवारजनों, राष्ट्र निर्माण की कमान जब जनता जनार्दन संभाल लेती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती। आज भारत में भी स्पष्ट दिख रहा है कि कई परिवर्तनों का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता ही कर रही है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमने त्योहारों के इस समय में देखा है। पिछले महीने मन की बात में मैंने वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया था। बीते कुछ दिनों के भीतर ही दिवाली, भैया दूज,